मेष राजे ते खुद पर भावनात्मक कमजोरी हावी नहीं होने दे। कोई जमीन जायदाद खरीदने की भी बात हो सकती है। नौकरी और पैसों के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नए मौके भी सामने आ सकते हैं। अपने मन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश सफल रहेगी। इसमें आपको फायदा हो सकता है। नेगेटिव उतारा चढ़ाव भरा दिन रहेगा। शारीरिक जोखिम ना ले, कोई जरूरी फैसला भी ना ले। चंद्रमा आज गोचर कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। इससे थोड़ा बहुत तनाव रहेगा या किसी से अनबन भी हो सकती है। प्रेमी या जीवन साथी को आपके विचार पसंद नहीं आएंगे। प्रेमी या जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है। पैसों के मामलों को लेकर भी आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना होगा। आपको जहां से मदद मिलने की उम्मीद है, वहां से निराशा भी मिल सकती है। ऑफिस में मानसिक तनाव होगा। बेकार बातों में समय खराब ना करें। काम तय समय पर पूरा ना होने से परेशान हो सकते हैं। क्या करें, मूंग खाएं? लव लाइफ, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए समय ठीक है। हेल्थ खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। व्यापारियों को सामान्य फायदा हो सकता है। माता की सेहत को लेकर टेंशन हो सकती है। नियमित चेकअप करवाते रहे। करियर करियर के लिए समय अच्छा है। मेहनत करते रहे। वृषभ राशि के चंद्रमा गोचर कुंडली के 7वें भाव में होगा। रोजमर्रा के कामकाज समय से पूरे हो सकते हैं। दिन भर मस्ती के साथ कामकाज निपटाने का जुनून रहेगा। किस्मत का साथ मिलेगा। कामकाज में नुकसान से बच सकते हैं। ऑफिस में चल रहा कोई विवाद आपके फेवर में साबित हो सकता है। पुराने विवाद भी शांति से निपट जाएंगे। आप महत्वपूर्ण लोगों के सामने अपने मन की बात रख सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। आप समय के साथ चलेंगे। कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपना काम चुपचाप करें तो सफल हो जाएंगे। आपके व्यवहार की तारीफ भी होगी। नेगेटिव जोश और होश के संतुलन की जरूरत है। जो जैसा हो रहा है उसका विरोध ना करें। पैसों के मामलों में कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना करें। आपके कामों में दूसरों की दखल अंदाजी हो सकती है। इससे आपका मूड भी बिगड़ सकता है। आपके कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचें। क्या करें, गंगा जल पिए। लव, इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है। कोई लव प्रपोजल भी मिल सकता है। करियर, ऑफिस में आप अपने अच्छे व्यवहार से काम निपटा लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। कुछ को आज मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। हेल्थ, पेट के रोग और मानसिक तनाव के योग बन रहे हैं। मिथुन पॉजिटिव, नौकरी और बिजनेस में कुछ बदलाव करने का मूड बना सकते हैं। कुछ अच्छे और नए ऑफर भी आज आपको मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। सकारात्मक रहे। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी भी परेशानी की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। संतान और पढ़ाई के मामले पर ध्यान देना जरूरी है। महत्वपूर्ण लोगों से कांटेक्ट होगा। फायदे के बड़े मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नेगेटिव, नियमित कामकाज में मन कम लगेगा। सुस्ती, अनिश्चितता या नकारात्मकता के कारण कुछ अच्छे मौके आप गंवा सकते हैं। मानसिक या शारीरिक सुस्ती भी आज आपको महसूस हो सकती है। कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है। दुश्मनों से सावधान रहे। सही और गलत के फैसले में आप उलझ सकते हैं। फालतू कामों में आपका समय खराब हो सकता है। क्या करें, विष्णु मंदिर में गेहूं चढ़ाएं? लव लाइफ में किस्मत का साथ कम ही मिल पाएगा। विवाह की बातचीत टाल दें। प्रेमियों के लिए समय ठीक ही रहेगा। करियर, बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। फायदा हो सकता है। करियर बनाने पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। अपने विवेक से ही फैसला करें। हेल्थ, लापरवाही ना करें। पेट भी खराब हो सकता है।
कर पॉजिटिव काम पर ध्यान दें, उन बातों पर ध्यान दें जिनके बारे में आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है। घर से चलने वाले बिजनेस में फायदा हो सकता है, घर मकान में किए गए निवेश से फायदा होगा, पारिवारिक इनकम भी बढ़ सकती है, कार्य क्षेत्र का कोई एक चलता काम सफलता पूर्वक हो जाएगा, किसी नए काम की योजना बन सकती है जिसमें मुनाफा ज्यादा हो सकता है, दूसरों के लिए आपको त्याग करना पड़ सकता है, आपकी मेहनत का पुरस्कार भी आपको मिल सकता है, रोजमर्रा के काम से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं, पार्टनर का सहयोग मिलेगा और उससे धन लाभ होगा, किसी काम को लेकर उत्साह भी रहेगा। नेगेटिव जीवन साथी को नाराज ना करें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, अड़ियल विचारों से भी बच कर रहे, फालतू कामों में भी समय खराब हो सकता है, सावधान रहे, क्या करे पेन पर हरा धागा बांधे, लव पार्टनर से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है, करियर नौकरी धंधा बदलने का मन है तो रुक जाए, बिगड़ी परिस्थिति को थोड़ा सुधरने दे, स्टूडेंट्स मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, हेल्थ सेहत भी थोड़ी खराब भी हो सकती है। सिंह पॉजिटिव, ऑफिस में बकाया काम निपटाने का मन बन सकता है, आपको अपना नजरिया व्यावहारिक रखना होगा, विवाद से भी बच सकते हैं, परिवार के काम काज पर धन और समय खर्च होगा, परिवार में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा सकते हैं, माता से मदद और प्रेम मिलेगा, सभी से सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव, कानूनी कामों में कोई बदलाव ना करें तो ही अच्छा है, चंद्रमा आपकी राशि से चौथी राशि में रहेगा तो आपको हर काम सावधानी से करना चाहिए, रुकावटों और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति में कोई कानूनी तकनीकी या राजनीतिक अड़चन आ सकती है, इससे कामकाज सुस्त रहेगा, पैसों के मामलों में किसी से अनबन या विवाद की स्थिति बन सकती है, कई तरह की समस्याओं में उलझ भी सकते हैं, अपने काम से आप संतुष्ट नहीं होंगे, अपने ही कामों में कुछ ना कुछ कमी निकल सकते हैं, क्या करें किसी गरीब को मीठे चावल खिलाएं, लव लाइफ प्रेम संबंधों को नई दिशा मिलेगी, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, करियर व्यापारियों के लिए समय सामान्य है, सोच समझ कर निवेश करें, जमीन से फायदा हो सकता है, आपके लिए समय सामान्य है, जॉब के लिए तैयारी करते रहे, हेल्थ एसिडिटी हो सकती है, ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। कन्या पॉजिटिव, आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ व्यस्त हो सकते हैं, पैसे कामकाज नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपको तरक्की के कुछ संकेत मिल सकते हैं, दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, सामने आने वाली कठिन स्थिति से कॉन्फिडेंस के दम पर निपट सकते हैं, परिवार की ओर से आपको कोई ना कोई काम दिया जा सकता है, आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे, खुद के लिए भी समय निकाल लेंगे, आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगी, योजनाओं पर पूरी मेहनत से काम करेंगे। नेगेटिव, दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखने से आपका ही नुकसान हो सकता है, किसी से भस में उलझ सकते हैं, अपनी इमेज भी खुद बिगाड़ सकते हैं, क्या करें साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को चटपटी चीज खिलाएं, लव पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, करियर बिजनेस और नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं, मेहनत करें तो धन लाभ हो सकता है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, हेल्थ सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, मौसमी बीमारियां हो सकती है। तुला पॉजिटिव, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोशिश करेंगे, जो काम आपके लिए खास है उन पर ध्यान देंगे तो आपको कुछ नए तरीके भी समझ आ सकते हैं, पैसे कमाने के दूसरे तरीके भी आपके दिमाग में रहेंगे, आपका पूरा ध्यान पैसों के और घरेलू मामले सुलझाने पर रहेगा, कोई आपकी मदद भी करना चाहेगा, ऑफिस के सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे, अधिकारी आपकी तारीफ कर सकते हैं, नई नौकरी की बात भी चल सकती है, खरीदारी होगी, नए कपड़ों की खरीदारी हो सकती है, घर के जरूरी सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं,
ज्यादातर समय घर से बाहर ही बीतेगा। नेगेटिव समय की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। लोगों की अनदेखी से बचें, वरना मुश्किल समय में आप अकेले रह सकते हैं। अपनी बात कह पाने में आपको परेशानी भी महसूस हो सकती है। किसी तरह का कंफ्यूजन, उलझन और भागदौड़ जैसी स्थिति भी बनने के योग है। भागदौड़ के कारण अपना कार्यक्रम तय नहीं कर पाएंगे। किसी करीबी व्यक्ति से भी अनबन हो सकती है। कोई पुराना मुद्दा ना उठाए, क्या करें? पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और पानी चढ़ाएं। लव लाइफ, जीवन साथी से संबंधों में सुधार होने के योग है। प्रेमी से सहयोग मिलने के योग है। करियर, नौकरी, पेशा लोगों के लिए समय थका देने वाला हो सकता है। किसी से कर्जा भी लेना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है। दोस्तों से मदद मिल सकती है। हेल्थ, सेहत का ध्यान रखें। बदहजमी हो सकती है। आंखों की समस्या बढ़ सकती है। वृश्चिक, पॉजिटिव करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। निवेश के लिए समय आपके फेवर में रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। चंद्रमा आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी महत्वपूर्ण मामले पर आपकी राय लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। मनचाहे काम पूरे करने में मेहनत ज्यादा होगी। सफलता भी मिलेगी। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, सेहत से जुड़ी कोई समस्या बढ़ सकती है। आपकी कोई इच्छा किसी विवाद की वजह बन सकती है। सावधान रहे। पैसों को लेकर किसी के साथ अनबन हो सकती है। क्या करें? हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं। लव पार्टनर के साथ कहीं जाने का मूड बन सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझें। करियर, नौकरी में स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। बिजनेस के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। समय अच्छा है। हेल्थ, सिर और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। धनु, पॉजिटिव, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। दुख सुख की बातें होंगी। दोस्त कोई अच्छी योजना बना सकते हैं। आप अपने दोस्तों की योजना से भी सहमत हो जाएंगे। खर्चे और इनकम में बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। पैसों की स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। कोई राज या छुपी हुई बात आपको पता चल सकती है। आपको दूर स्थान के लोगों से भी सहयोग मिल सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद मिलेगी। आज सब आपके साथ है। नेगेटिव, किसी की मदद में समय और पैसा खर्चा हो सकता है। कॉन्फिडेंस ज्यादा होने के कारण आपके तेवर भी थोड़े तीखे हो सकते हैं। ध्यान रखें कि आप किसी खास व्यक्ति से ही न उलझ जाएं। आपके मन में कुछ सवाल चलते रहेंगे, जिनका कोई समाधान आपको शायद ही मिल सकेगा। किसी विवादास्पद बातचीत में भी आप फंस सकते हैं। आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। दुश्मनों से सावधान रहना होगा। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। क्या करें? चुटकी तिल खाएं। लव लाइफ, जीवन साथी से अनबन के योग है। फालतू बातों पर ध्यान ना दें। शांति और धैर्य रखें। करियर, निवेश में सावधानी रखनी होगी। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। सावधान रहें। मकर, पॉजिटिव, आपके लिए दिन अच्छा है। पैसों का फायदा हो सकता है। आपके सोचने के तरीके में भी बदलाव हो सकता है। आज आप कुछ नया और अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस या फील्ड में कोई बड़ा बदलाव करने का मूड भी रहेगा। कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति के दम पर परेशानियों से निपट सकते हैं। ऑफिस में ज्यादा मेहनत का फायदा मिल सकता है। खुद के लिए समय निकाल लेंगे तो रोमांस के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस और नौकरी में आपका काम बढ़िया रहेगा। आपके काम की तारीफ होगी। सामाजिक समारोह में मान सम्मान मिलेगा। न्यायालयीन मामलों में आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। नेगेटिव, नौकरी या कारोबार में कोई तनावपूर्ण अजीब स्थिति बन सकती है। अपने कामकाज में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो सकते हैं, जिससे कुछ मामलों में आपको नुकसान हो सकता है। सेहत को लेकर सावधान रहे। क्या करें? चावल में हल्दी मिलाकर पानी में बहा दे। लव पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करने में ना हिचकिचाएं। लव प्रपोजल देने का मन है
तो दे दे, समय अच्छा है। करियर, बिजनेस और नौकरी में तारीफ, पैसा, उन्नति मिल सकती है। स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ, जोड़ों का दर्द और नींद की कमी से परेशान हो सकते हैं। कंपटीटिव ऑफिस और बिजनेस में मदद मिल सकती है। अपनी योजना या रणनीति पर भरोसा रखना होगा, सफलता मिलेगी, फायदा भी हो सकता है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। पैसों के मामले सुलझ सकते हैं। पैसों के मामले में आप भविष्य के लिए भी योजनाएं बना सकते हैं। जो भी काम सामने आए उसमें पूरी ताकत लगा दें। इसके अच्छे नतीजे भी आपको मिल सकते हैं। फैसले लेने के लिए और योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। ऑफिस और फील्ड में जूनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। नेगेटिव निवेश करने के लिए अच्छी तरह सोच विचार कर ले। आपका पैसा कहीं अटक भी सकता है। गुस्से या जल्दबाजी में आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं। क्या करें, सिक्के पर सिंदूर लगा कर हनुमान जी को चढ़ा दे। लव लाइफ में सितारे साथ देंगे। पति पत्नी में रिश्ते घिरे हो सकते हैं। कोई गलत फहमी भी दूर हो सकती है। करियर, निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। निराशा से बचें। समय सामान्य है। हेल्थ, अपनी और परिवार के लोगों की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। मौसमी बदलाव से तकलीफ हो सकती है। मीन पॉजिटिव, करियर, पैसे और इज्जत के लिए कोई व्यक्ति बहुत खास हो सकता है। पैसों से जुड़ी परेशानी थोड़े समय की ही रहेगी। चतुराई से आपके काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार और नौकरी में आपका प्रभाव जमेगा। समझदार लोग आपका सम्मान करेंगे। आपके सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे होने के योग हैं। बिजनेस भी अच्छा चलेगा। उसमें कोई सकारात्मक घटना हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। परिवार के साथ समय बीत सकता है। नेगेटिव, मेहनत और भाग दौड़ हो सकती है। आपके सामने कई तरह की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। किसी खास व्यक्ति की अनदेखी करने से आपको ही नुकसान हो सकता है। पैसों के मामले में आपकी टेंशन बढ़ सकती है। क्या करें, थोड़े से घी में शक्कर मिलाकर खाएं। लव दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। करियर, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी, लेकिन विवाद भी हो सकता है। सावधान रहे। स्टूडेंट्स को कम मेहनत में भी अच्छी सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा। टेंशन से सिर दर्द या घबराहट हो सकती है।